हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो गाइस, अप टुडे आई एम टेलिंग अबाउट द टीचर्स ऑनबोर्डिंग रिगार्डिंग द ब्रेकिंग न्यूज अबाउट द एनआईटीईएस फाइल कंप्लेंट विद द लेबर मिनिस्ट्री ओवर द ऑनबोर्डिंग डिले एट द टीसीएस। नाउ जॉइनिंग विल बी पॉसिबल फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट इन अगस्त और नॉट जॉइनिंग अपडेट ऑनबोर्डिंग स्टार्टेड। सो गाइस, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस, उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि अगर आप लोग के पास कोई भी अपडेट आता है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कैप जेमिनी, सब और जितनी भी आईटी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, स्टब्स हैं, ऑल आईटी स्टब्स ऑफर लेटर ज्वाइनिंग अपडेट, तो सब आपको मेरे ही चैनल पर मिलेंगे, टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। और मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं आप लोग, जिससे आप लोग के पास काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स होंगे, जो कि पहला वीडियो आप लोग के पास पहुंचेगा, काफ़ी सारी चीज़ें, तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं आप लोग, प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है गाइस, एनआईटीईएस फाइल कंप्लेंट विद द लेबर मिनिस्ट्री ओवर द ऑनबोर्डिंग डिले एट टीसीएस। तो एनआईटीईएस है जो कि फाइल कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री ओवर द ऑनबोर्डिंग डिले एट टीसीएस, ऑनबोर्डिंग डिले हो रहा था, इसकी वजह से जो एनआईटीईएस ने क्या किया, लेबर मिनिस्ट्री ने मिलके उनके साथ में एक फाइल कंप्लेंट की है, जिसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि ऑनबोर्डिंग डिले हुई थी। ये इशू जब से क्रिएट हुआ, जब से 12 जुलाई के बाद में, जब टीसीएस ने जो कि 3 मंथ ऑनबोर्डिंग डिले कर दिया, पहले ही बोल दिया, जो कि उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे, और तो बहुत सी अपडेट थी। आईटी एम्प्लॉय लेबर यूनियन नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट एनआईटीईएस का फुल फॉर्म ये है, हैज़ फाइल्ड द कंप्लेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो एनआईटीईएस ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के साथ में मिलकर, जो कि आईटी एम्प्लॉय फेसिंग द डिले ऑनबोर्डिंग, उनके साथ में एक रिपोर्ट है जो कि फाइल की है, कंप्लेंट फाइल की है टीसीएस के अगेंस्ट, जो कि इस रिपोर्टिंग की वजह से हम लोग को समझ में आता है कि आप लोग की जो कि ऑनबोर्डिंग है उसी के रिगार्ड में इन्फॉर्मेशन ये देखिए। TCS on Monday onboarded some of the lateral hire whose onboarding had previously been deferred by the 3 months from the July to October. The onboarding was expedited from those who have cleared the exhaustive background verification process. Some employee told the TOI condition that they will not be named even the induction program. There was a lot of emphasis on employee waiting process beginning of the fake resume. The onboarding delay had been attributed partly in the verification process. In an email, employee and concerned TCS said, as you कमेंट्स ऑफ योर न्यू जर्नी, वी आर ग्लैड टू इनवाइट यू अटेंड। तो गाइस, इन दिस इन्फॉर्मेशन तो बोला गया है उन लोगों की, जब एनआईटीएस ने कंप्लेंट फाइल अगेंस्ट की, तो यहाँ पर देखा जाए कि जो कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनकी लेटरल हायर हुआ था, और उनके ऑनबोर्ड पीरियड से ऑलरेडी डिफर्ड हुए 3 मंथ, जो कि 3 मंथ के उनके लिए बोल दिया गया था कि आप लोगों को 3 मंथ का टाइम वेट करना पड़ेगा, जुलाई से अक्टूबर के बीच में आप लोगों की हो सकती है, जिन्होंने एग्जॉस्टिव प्रोग्राम किया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वेरिफिकेशन प्रोसेस, ईमेल टू द एम्प्लॉय कंसर्न टीचर सेड, एज यू कमेंट्स ऑफ योर न्यू जर्नी, वी आर ग्लैड टू इनवाइट अटेंड द पर्सन टीसीएस ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम शेड्यूल ऑन 12 जुलाई। टीसीएस फेज लॉट ऑफ फ्लैग लास्ट वीक व्हेन इट रिफर्ड टू ऑनबोर्डिंग डेट। सम ऑफ द अफेक्टिव एम्प्लॉय हैड टू 10-year वर्क एक्सपीरियंस एंड वर अपसेट अबाउट द लूजिंग पे बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर प्रीवियस जॉब एंड एंटीसिपेटिंग ज्वाइनिंग इमीडिएटली। व्हेन टीओआई कॉन्टेक्टेड टीसीएस ऑफ द मैटर, मिलन लक्कर द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सेड, ऑल्दो आर एम्प्लॉय हेड काउंट मे बी ए लोअर साइड, इट डज नॉट मीन इट विल बी द हार्ड हायरिंग ट्रेनिंग। तो गाइस, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करी, जब वो न्यूज़ आई, जब एनआईटीएस ने लेबर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब फाइल की, तो उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ कैंडिडेट थे उनकी, जो कि 17 जुलाई को ऑनबोर्डिंग हुई, उनको प्रोग्राम के लिए उनको बोला गया, ठीक है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिसके 10 साल का एक्सपीरियंस था, तो वो भी अपसेट हो गए थे कि उनकी जो जॉब लूज़ हो चुकी थी, और भी कोई प्रीवियस जॉब के लिए वो इमीडिएटली नहीं मिल सकती थी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस, जब इन्फॉर्मेशन फाइल हुई, तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली इस चीज़ की वजह से आप लोग की जो कि ऑनबोर्डिंग जो काफ़ी कैंडिडेट की चल रही है, जो कि ऑनबोर्डिंग जिसकी नहीं हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सेशन तक ऑनबोर्डिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं, जो कि फ्रेशर्स हैं, जो कि 2022 के कैंडिडेट हैं, और जो फ्रेशर की भी कैंडिडेट हैं, कुछ फ्रेशर की कैंडिडेट भी हायरिंग अभी, तो गाइस आप लोग की मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक आप लोग की ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। टीसीएस की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी टाइप की आई हुई है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, क्वेरी चाहिए होगी, कोई भी निंजा होगी प्रोफाइल हमारे रजिस्टर प्रोफाइल के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान, जय किसान।